हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैं गया था नॉर्थ सिक्किम के चांगथांग विलेज में बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। तो ये जो मेरा 2 नाइट 3 डेज का टूर था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कौन कौन सा बर्ड स्पीसीज का इमेजेस मिला, एंड अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का तो आप कैसे प्लान करोगे फॉर बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी टूर, तो इस वीडियो में मैं ही सब डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, चांगथांग एक छोटा सा विलेज है नॉर्थ सिक्किम के मानगान डिस्ट्रिक्ट में। ये प्लेस अराउंड 5,870 फीट ऊपर है सी लेवल से। ये एरिया 95 किलोमीटर दूर है सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक से एंड 163 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से। फ्रेंड्स, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। मैं कोलकाता से बाय ट्रेन एनजीपी स्टेशन पहुंचा था एंड फिर वहां से बाय कार मैं नॉर्थ सिक्किम पहुंचा था। मैं एक दिन पहले ही इवनिंग को एनजीपी स्टेशन पहुंच गया था एंड वहां से बाय कार मैं सिलीगुड़ी के होटल में पहुंचा और रात को वहीं पे रुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मेरा नॉर्थ सिक्किम का जर्नी स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM को मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया नॉर्थ सिक्किम के लिए। रास्ता काफ़ी लंबा था। अराउंड 5 घंटा जर्नी करने के बाद मैं नॉर्थ सिक्किम के चांगथांग विलेज में पहुंचा। लेकिन होमस्टे तक तो गाड़ी जा ही नहीं सकता बिकॉज रोड्स ही नहीं है, तो रास्ते के ऊपर गाड़ी को छोड़ के बाकी 2 किलोमीटर रास्ता ट्रेक करके जाना पड़ा पहाड़ चढ़ते हुए जंगल के अंदर से। तो अराउंड 1 घंटा ट्रेक करने के बाद मैं अपना होमस्टे में पहुंचा। इट वॉज ब्यूटिफुल। चारों तरफ से बर्ड्स का आवाज़ सुनाई दे रहा था एंड सी लेवल से 5,800 फीट ऊपर होने से एरिया काफ़ी ठंडा था। तो होमस्टे तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज गया था, इसीलिए थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया और लंच करने के बाद मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया। तो आफ्टरनून को फर्स्ट बर्ड जो मैंने स्पॉट किया वो था सिल्वर ईयर्ड मिसिया। ये बर्ड लाफिंग थ्रस्ट फैमिली के अंदर पड़ता है। ये बर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में एंड विंटर माइग्रेंट है टू नामेरी नेशनल पार्क आसाम। सिल्वर ईयर्ड मिसिया साउथ ईस्ट एशिया का बर्ड स्पीसीज है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, भूटान, नॉर्दर्न बर्मा एंड साउदर्न चाइना। तो इसके कुछ देर बाद जो बर्ड मुझे नेक्स्ट मिला वो था रेड फेस्ट लियो चिचला। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है देखने में एंड लियोथ्रिसाइड फैमिली के अंदर पड़ता है। ये बर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नेपाल में मिलता है। इसका नेचुरल हैबिटेट है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट।
तो फर्स्ट डे पूरा आफ्टरनून मैं फोटोग्राफी किया एंड मुझे बहुत सारा बर्ड स्पीसीज का इमेजेस मिला। तो सेकेंड डे भी मैं मॉर्निंग 6 AM को स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट मॉर्निंग लाइट में मैंने स्पॉट किया चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रस्ट को। ये बर्ड लियोत्सिसाइड फैमिली के अंदर पड़ता है एंड भूटान, चाइना, इंडिया एंड नेपाल में मिलता है। तो सेकेंड डे को मॉर्निंग 6 AM से आफ्टरनून 12:30 तक मैं बर्डिंग किया चांगतांग विलेज में एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे बर्ड्स का इमेजेस मिला। तो अगर आप यहाँ पे बर्डिंग के लिए आना चाहते हो तो आप जनवरी से लेके मई महीने तक यहाँ पे आ सकते हो। होम स्टे का बुकिंग पहले से करना पड़ता है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दूंगा विद फोन नंबर सो दैट आप टेलीफोनिक बुकिंग करके यहाँ पे आ पाओ। बट डू रिमेम्बर, अगर आप नेचर लवर हो या बर्ड वॉचर हो या बर्ड फोटोग्राफर हो तभी यहाँ पे आने का प्लान करना एंड प्लीज़ डोंट कम विथ योर फैमिली बिकॉज रोड्स नहीं है एंड जंगल के अंदर से पहाड़ों को चढ़ते हुए आपको आना पड़ेगा तो फैमिली के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो अराउंड 1:30 को मैं चांगतांग विलेज से निकल पड़ा था सिलीगुड़ी की तरफ, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, 5 घंटे का सफ़र था और रात तक सिलीगुड़ी पहुंचना भी था। जो जो बर्ड स्पीसीज के लिए मैं नॉर्थ सिक्किम के चांगतांग विलेज में आया था वो सब बर्ड स्पीसीज हम लोगों ने कवर कर लिया, तो इसीलिए और रुकने का कोई कारण नहीं था। तो इसीलिए हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ निकल पड़े और देर रात तक सिलीगुड़ी पहुँचे और जाके होटल में नाइट स्टे किए। तो थर्ड डे को मैं शिवखोला में बर्डिंग किया। आई वॉज लुकिंग फॉर ग्रीन कोचुआ बट मॉर्निंग से 6 घंटा वेट करने के बाद भी ग्रीन कोचुआ का साइटिंग नहीं हुआ, बट मुझे कॉलर्ड फैल्कनेट मिला नेस्टिंग करते हुए, तो मैं सेफ डिस्टेंस से उसका कुछ फोटोग्राफ एंड वीडियो शूट किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इफ सो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लीव ए कमेंट, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन YouTube एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, माई चैनल इज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो अगर आप वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कॉन्टेंट पसंद करते हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। इफ यू विश यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram ऑल्सो, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।